हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। इनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बेनिफिशियल हों। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग परस्पेक्टिव। Let's take the first question. The final version of Wordsworth, the prelude, appeared in the prelude, जो कि Wordsworth के द्वारा लिखी गई है। ये एक autobiographical poem है जो कि blank verse में poet के द्वारा लिखी गई है, और इसी के संबंध में ये question है। और इसमें four options हैं: 1798, 1806, 1850, 1860। तो इसका जो सही आंसर है वह सी है, यानी 1850। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेते हैं। द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू द मोर फिलोसफिकल रेक्लूज विच वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश्ड। द प्रील्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। यानी जो प्रील्यूड है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा किया गया एक अप्रतिम या विशेष कार्य है या कविता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ लीच गैदर्ड अपीयर्स इन, देयर आर फोर ऑप्शंस: द रेक्लूज, द प्रील्यूड बुक फर्स्ट, लोडोमिया एंड डी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसमें लीच कैरेक्टर के संबंध में पूछा गया है कि वह कहाँ अपीयर होता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह डी है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। लेट्स सी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ लिरिक पोएम ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड मेक्स एन एजर्शन दैट। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह एमलेस होकर क्लाउड की तरह इधर उधर मूव करता रहा। तो इसमें फोर ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट है उसका अभिप्राय ये है कि द पोएट मूव्स एज एमलेसली एज द क्लाउड, और डी करेक्ट ऑप्शन है। ये पंक्तियाँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित है। इसमें फोर ऑप्शंस हैं, लेट मी रिपीट अगेन: ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हैविन। दिस ऑकर्स इन अ पोएम बाय, एज वी सी देर आर फोर ऑप्शंस: विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, बायरन एंड शेली। सो ए इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस ऑकर्स इन अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, सो ए इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, फेमस लाइन्स हैं: अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी से ये संबंधित हैं। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ऑल्सो नोन एज इमॉर्टैलिटी ओड, इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कंप्लीटेड इन 1804। अतः जो करेक्ट आंसर है वह बी है, इमॉर्टैलिटी ओड। लेट्स सी सम स्पेशल एग्जाम पॉइंट, स्पेसिफिक एग्जाम पॉइंट। वॉट आर दोज? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was originally called leech gatherer. Resolution and independence ko originally kaha jata tha leech gatherer. Moving to next, this old man I met a few hundred yard from my cottage, and the account of him is taken from his mouth. This is the reference that Wordsworth gives, and it's resulted a poem. Which poem? So its poem is Resolution and Independence. Which poem was written after the death of Lord Nelson? लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कौन सी कविता लिखी गई? करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर। यानी वर्ड्सवर्थ ने कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर लिखी। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरैक। वर्ड्सवर्थ के जो भाई हैं उनके संबंध में ये पॉइंट है कि वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरैक। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इट इज़ द पोएम पब्लिश्ड इन 1806। ये बहुत नोन पोएम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इट इज़ द पोएम पब्लिश्ड इन 1806। द पोएम म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन 1821। जो म्यूटेबिलिटी पोएम है वो 1821 में पब्लिश हुई।
stern daughter of the voice of God, where does this line appear? Stern daughter of the voice of God, where these lines appears? So ode of duty, ode of duty में ये lines दिखती हैं और उसमें ही ये लिखा गया है stern daughter of the voice of God. Next, Lodamia is a narrative poem written by Wordsworth. Next, the sweetest things that ever grew beside a human door. Where these lines appear? So these lines appear in Too Lucky, written by Wordsworth. If solitude or fear or pain or grief, if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, whom is Wordsworth referring to? Dorothy Wordsworth. Its correct answer, Dorothy Wordsworth. Dorothy Wordsworth William Wordsworth की sister थी और उन्हीं के संबंध में उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं. Moving to next point, Mikhail is a pastoral poem that presents the pathetic life of a shepherd Mikhail. What is the name of his son? So its right answer, Luke. Luke is the name of his son. Moving to next point, nature never did betray. These lines appear in Tintern Abbey, written by Wordsworth. Tintern Abbey में ये पंक्तियाँ दिखती हैं जो कि Wordsworth के द्वारा लिखी गई हैं. William Wordsworth mentions about Burns and Chatterton in the poem Resolution and Independence. ये इसका सही आंसर है या पॉइंट है. Not without hope, we suffer and we mourn. What does this line appear? These lines appears in where these lines appears. क्षमा करें. Not without hope, we suffer and we mourn. Where these lines appear? So right answer is Peel Castle, or right point is Peel Castle. The poem Elegiac Stanzas was suggested by a picture of Peel Castle in a stone painted by, जो इसका correct answer है वो Sir George Beaumont है. Next poem, next point, Milton Thou shouldest be living at this hour. Milton Thou shouldest be living at his hour. Correct answer is To Milton, London, 1802. Thou soul was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? So the correct answer is Milton. Milton ने Wordsworth को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं William Wordsworth ने Milton के लिए कि Thou soul was like a star and dwelt apart. Whose soul means Milton's soul. The language of poetry is a selection of real language of man in a state of vivid sensation. Whose opinion is this? This is the opinion of Wordsworth. Moving to next point, it may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of the prose and metrical composition. Whose comment is this? This is the comment of Wordsworth. अब फिर से कुछ questions ले लेते हैं Wordsworth के संबंध में जो कि examinations की दृष्टि से important हैं. The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by. There are four options, but the correct answer is the French Revolution. Moving to next question. What is common to the following poems? Wordsworth, The Recluse, Shelley's The Triumph of Life, Byron's Don Juan, Keats' Hyperion. The correct answer is B. They are all unfinished poems. Yani ye ve poems hain jo ki puri nahi ho paye. What is the common of the following poems? यानी जो following poems हैं, चाहे वो Wordsworth की हों, Shelley की हों, Byron की हों, Keats की हों, ये इन सभी poems में क्या common है? तो इन सभी poems में ये बात common है कि ये सभी पूरी नहीं हो सकें. क्यों नहीं हो सकी पूरी? क्योंकि उनके पीछे कुछ ना कुछ specific कारण रहे. Let's see what are those reasons of these unfinished poems. Wordsworth, if we talk about Wordsworth, about Recluse, then let us know. Wordsworth had the 4 years been making plans to write a long philosophical poem in these three parts, which he intended to call Recluse. Shelley's Triumph of Life was the last major work before his death in 1822. The work was left unfinished. Moving to next, Byron, Don Juan. A satiric poem, Byron completed 16 cantos, leaving an unfinished 17th canto before his death, 1824. Keats' Hyperion is an abandoned epic poem.
He wrote this poem from late 1818 until the spring of 1819 when he gave it up. तो ये इनके पीछे कुछ मुख्य कारण थे जिनमें डेथ कॉमन थी. Which romantic poet coined the famous phrase spot of time? So there are four options: John Keats, William Wordsworth, S.T. Coleridge and Lord Byron. So the right answer is William Wordsworth. B इसका सही उत्तर है. Moving to next, which of the following statement on the prelude by William Wordsworth is or not true? William Wordsworth के संबंध में कौन सा जो remark है वो सही नहीं है. So its correct answer is C. यानी जो rest of the statement हैं वे काफ़ी हद तक सही हैं. Why C is not correct? Let us see. The poem runs 14 books at crucial stages. The poet celebrates the sublime natural scenery in a developing his spiritual, moral and imaginative nature. ये इसका सही आंसर नहीं है. सही आंसर इसका C है. यानी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सी की एक्सप्लेनेशन क्या है जो कि सही होनी चाहिए. द पोएम्स लाइक मिखाइल द ओल्ड कम्बरलैंड बैगर शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रॉडन वेज न्यूटिंग एसेस्ट्रा आर द पार्ट ऑफ 1800 ऑडिशन ऑफ लिरिकल बैराड्स. यानी लिरिकल बैराड्स से ये संबंधित थे. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द प्रील्यूड सब्सिक्वेंटली केम आउट 1805 विद 13 बुक्स विच वर सब्सिक्वेंटली रिवाइज एंड पब्लिश्ड पोस्टथ्यूमसली by his wife in 1850. Hence, option C is the correct answer. That's all for today. Please take care of yourself. Thank you for being with me. Hello students, welcome to Knowledge Academy. कैसे हैं आप सभी? I hope